मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में गठबंधन के विधायकों की बैठक रखी गई थी। बैठक खत्म होने के बाद तमाम जो विधायक है, मंत्री है, वो बाहर आए, मीडिया से मुखातिब हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, तमाम जानकारियां लेंगे। लेकिन इससे पहले तमाम जो मंत्री या फिर विधायक, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, है और रहेंगे। साथ ही साथ इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राज्य में लगातार ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार पिंटू के आवास में लगातार ईडी की टीम मौजूद है, छापेमारी जारी है। इस बीच महुआ मांझी इसको किस रूप में ले रही है, तमाम जानकारियां हम राज्यसभा सांसद महुआ मांझी से लेंगे। आज इस तरीके से बैठक रखी गई, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई? आज देखिए चर्चा विकास को लेकर भी, क्षेत्र को लेकर भी, कौन सी योजना सफल है और कौन सी योजना आनी चाहिए, किसी को चापानल की जरूरत थी तो उसकी मांग हुई, इस तरह की बातें हुई। और जहाँ तक ईडी के समन वगैरह की बात थी, तो के लिए बोला गया क्या विधायकों को रांची में ही? ऐसा नहीं, नहीं देखिए ऐसा है ना कि भाजपा हमेशा षड्यंत्र करती रहती है। ये पहले भी कर चुकी थी, सरकार गिराने के कई बार प्रयास हुए, तो उसके लिए तो हमेशा सावधान रहना ही चाहिए सत्ता पक्ष को, कि हाँ कि भाई कहीं से कोई षड्यंत्र ना हो। और यहाँ बाकी जितने लोग आए थे, आपने देखा संख्या पूरी है, और सारे लोगों ने एक स्वर में कहा कि जिस तरह से हम लोगों ने कार्यकाल पूरा, मैंने पिछला 4 साल पूरा किया, एक साल भी पूरा करेंगे, आपके नेतृत्व में करेंगे और आने वाले समय में भी। 2000 एक सप्ताह यहीं रहने के लिए कहा गया, अभी इस मीटिंग में तो नहीं कहा गया, अब आगे नहीं। कल्पना सोरेन को लेकर नाम, ये इनका व्यक्तिगत मामला था, वो अनुभवी और बहुत विज्ञ विधायक है और महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, वो अपने व्यक्तिगत कारणों से रिजाइन किया। कल्पना सोरेन का भी नाम सामने आ रहा था कि शायद उनकी पत्नी जो है वो सीएम बन सकती है, लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही मीडिया को कहा था कि अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात नहीं है और ना ही इस पर आज कोई चर्चा हुई। ईडी की दबिश को लेकर इसको किस रूप में ले रहे हैं, क्योंकि लगातार ईडी की दबिश, दबिश को वही पूरे देश में जब हो रही है दबिश, तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, गैर भाजपा ही सरकार है, वहाँ तो ईडी की दबिश हो ही रही है। अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो प्लान बी क्या होगा? अभी प्लान बी पर बात नहीं हुई है, अभी सिर्फ प्लान यही है और सब लोगों ने कहा कि हमें डरने की कोई बात नहीं है, सब लोग एकजुट हैं, बिल्कुल बने रहेंगे। और जो समन उनके पास आया था, उन्होंने कहा ये 7वां और अंतिम समन था, इसका संतुष्ट करने लायक जवाब दे दिया गया है, इसके आगे वो खत्म हो गया, उस वो मर गया समझ लीजिए, वो समन वो जिंदा नहीं हो सकता, इस तरह की बातें उसमें लिख कर दे दी गई है। समन का जवाब नजारा होगा रंगीन, परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ, की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन, तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।